अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर में हमने किस तरह तब्दील करना है। तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल में तब्दील करना सीखना, या किसी भी कन्वर्जर को किसी भी चीज़ में आपने तब्दील करना हो, यानी कि बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में या डेसिमल में करना हो, सबसे जो मेन चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, अगर वो चीज़ आपको आ जाए तो आपके सारे क्वेश्चन आपको करना आसान हो जाते हैं, या कन्वर्जन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। वो क्या है? टेबल। देखिए, आपको अगर टेबल बनाना आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल ही नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल इजी हो जाएंगे। अब डेसिमल नंबर सिस्टम को आप सबसे पहले समझेंगे, मैं टेबल समझा दूंगा पहले आपको, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आऊंगा, ठीक है? अब डेसिमल नंबर सिस्टम को समझ लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होते हैं? 0, 1, 2 इस तरह आपके फिगर होते हैं, 1 से लेकर 15, 20, 21, 22 जैसे आपकी गिनती होती है, आम वो होती है। इसी की हम बाइनरी बनाते हैं। बाइनरी किस तरह बनाते हैं हम? जैसे मैं लेट्स सपोज 5 को ले लेता हूँ, ये देखिए 5, ठीक है, 5 को मैंने लिया, 5 की बाइनरी की 2 × 4 1 बच गया, 2 × 1 = 2, 0 बच गया, तो क्या बना? 101, ठीक है, 101 बन गया, ये देखिए 5 = 101, ठीक है। तो आप इस तरह इसकी बाइनरी कर लेंगे, डेसिमल की आप बाइनरी कर लें, ठीक है, बाइनरी भी हो जाएगी। अब हेक्साडेसिमल में क्या होता है? मैंने आपको प्रीवियस जो प्रीवियस लेक्चर था हेक्साडेसिमल का मेरा, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि 0 से 9 तक तो वही फिगर होते हैं जो डेसिमल में होते हैं, लेकिन क्या होता है जो आपका हेक्साडेसिमल में 10 के बाद जो आपके नंबरिंग होती है वो आपके क्या होते हैं? वो आपके अल्फाबेट्स होते हैं, ABCDEF इस तरह आपके चलते रहते हैं। वो ये सारा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, जिसको जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो पहले वो लेक्चर मेरा देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, उसके बाद उसको ये सारी चीज़ें समझना आसान हो जाएगी। अब ये सारी चीज़, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं जी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, हमने बाइनरी को हेक्साडेसिमल में हमने क्या करना है जी? तब्दील करना है। अब देखें, सबसे पहले इसको तब्दील करने के लिए ये पूरा एक बाइनरी नंबर है मेरे पास, ठीक है, ये पूरा बाइनरी नंबर है। मैंने इनको क्या किया, हेक्साडेसिमल की जब आप बात करते हैं या हेक्साडेसिमल को आपने तब्दील करना होता है तो आप क्या कर लेते हैं? देखिए, अब आपने क्या करना है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर में तब्दील करना है। जब भी हेक्साडेसिमल नंबर की बात आती है तो आप क्या करें, आपके पास जो भी नंबर है उसको आप चार चार के उसके क्या बना लें, ग्रुप बना लें या जोड़े बना लें उनके, ठीक है, उस तरह आपको करना आसान हो जाएगा। अच्छा जी, किस तरीके से? देखें, ये मैंने 4 का एक फिगर बनाया, ये देखा 1100, इसी तरह ये मैंने 4 का एक ग्रुप बना लिया, क्या बना? 1000, ठीक है। अब ये 1000 जो है ये किस चीज के इक्वल है, हमने ये देखा है, देखें ये देखें बाइनरी में जाएंगे 1000, क्योंकि ये बाइनरी में था, हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में तब्दील कर रहे हैं इसलिए बाइनरी में देखेंगे 1000 किस चीज के इक्वल है, ठीक है ना, 8 के इक्वल है, ठीक है, 1000 किस चीज के इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है, लेकिन हमने किस में देखना, हमने देखना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल में इसलिए देखना क्योंकि हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर में तब्दील कर रहे हैं, ठीक है। तो 1000 किस चीज के इक्वल होता है? 8 के, तो आप यहां लिख देंगे जी 8, ठीक है। उसके बाद देखना हमने 1100, ये देखिए इसमें आएंगे आप, 1100 कहां है आपका, ये आपका 1100 है, ठीक है, 1100 किस चीज के इक्वल है? सी के, तो आप सिंपल से सी लिख देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 8C, ये आपको किस में आ गया? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, यानी कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर में आपने इस तरीके से तब्दील कर देना है। इसी तरह ये है, देखिए एक और एग्जांपल है 4, 4, ठीक है, लेकिन इसमें एक फिगर बच जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे इस तरीके में, हम राइट हैंड से लेना शुरू करते हैं, ठीक है ना, ये 4 फिगर है, ये क्या है हमारे पास 1011, उसके बाद 1, 2, 3, 4, ठीक है, 0110, ये मैंने 4 का एक फिगर बनाया, ये बना लिया, अब ये 1 बच गया, ये 1 लगाऊंगा मैं और 3 0 मैं अपनी तरफ से लगा लूंगा, यानी कि 4 फिगर मैंने कंप्लीट करने हैं, ठीक है, एक ये हो गया मेरे पास। अब ये देखना है मैंने ये किस चीज़ के इक्वल है, देखें अब ये है 1 आपका, ये 000 मैंने अपनी तरफ से लगाया, अब बाइनरी में 1 क्या है, ये है, ठीक है, इसके यहाँ पर भी मैं इस तरीके से 0 लगा सकता हूँ, ठीक है ना, वो किस में करने के लिए, वो मैं यानी कि अपने फिगर पूरे करने के लिए 4 बिट्स कंप्लीट करने के लिए मैंने 0 लगाई हैं। अगर हेक्साडेसिमल की बात कर रहे होंगे तो आप इनकी 4-4 बिट्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना, अगर नहीं भी करते कोई मसला नहीं, वैसे भी आपको ये एक ही है, ठीक है। अब एक की चीज का इक्वल है हेक्साडेसिमल में, देखें 1 = 1, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये देखें 0110 या 110 की चीज का इक्वल है, आपने ये देखना है 110 = क्या है आपके, 6, तो आपने यहाँ क्या लगा देना है, 6, ठीक है। अब ये देखें 1011, 1011 = क्या है आपका, बी के इक्वल है, तो आपने ये क्या करना है, इधर बी लगा देना, तो ये क्या बनेगा आपका आंसर, 16B, ठीक है,
ये किस में आ गया आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। डियर स्टूडेंट्स देखें कितने सिंपल तरीके से हो जाता है अगर आपके पास टेबल मौजूद है या टेबल आपको अगर आपको टेबल याद है तो आपके लिए ये करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है चलिए तो हम करके देखते हैं जी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में किस तरह तब्दील करना है आपने। अब ये देखें ये पहली एग्जाम्पल है ये है 23A, इसको मैंने थोड़े से फासले पर करके लिख लिया। ठीक है अब आपने ये देखना है कि बाइनरी में जो दो है जो दो की बाइनरी होती है किस चीज के कॉल होती है, दो की बाइनरी होती है 10। ठीक है अब हम कर रहे हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर के सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होती है 4 बिट्स होती हैं, तो आपने 4 बिट्स कंप्लीट करनी है तो आपने क्या करना है यहाँ 00 लगा देना है, ये 4 बिट्स कंप्लीट हो गए हैं तो आप लिखेंगे 2 की 10 और 20 ऐसे। ठीक है ना ये 4 बिट्स आपकी कंप्लीट होगी। इसी तरह 3 को देखना है आपने 3 की चीज के इक्वल होता है 3 इक्वल होता है 11 के, लेकिन आपने 4 बिट्स कंप्लीट करनी है क्योंकि हम हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं तो 00 यहाँ लगा देंगे, 4 बिट्स कंप्लीट होगी तो आप लिख देंगे 00 11। ठीक है उसके बाद देखते हैं जी ए की चीज के इक्वल है, ये देखें ए इज इक्वल टू है 10 10 के तो आप सिंपल लिख देंगे 10 10। ठीक है डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर होगा, लिख दें इसको 00 10 00 11 10 10। ठीक है डियर स्टूडेंट और इन जीरो को यहाँ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहे तो कोई मसला नहीं, ना लिखना चाहे तब भी कोई मसला नहीं है आपके लिए। ठीक है तो ये आपको किस में आ जाएगा बाइनरी में। हमने क्या किया हमने 16 के निजाम से हम किस में गए 2 के निजाम में यानी कि हेक्साडेसिमल से गए हम बाइनरी में। इस तरीके से गए मैंने सिंपल से उनके 4 4 बिट्स के मैंने क्या ग्रुप बना लिया और उनको मैंने कन्वर्ट कर दिया टेबल से देख के। आपको इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको टेबल याद होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ, अब देखें ये आपके पास क्या है जी 10A4 है या 10A4 आपके पास है, इसको आप क्या करें जी बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। अब बाइनरी में आप देखें जी सबसे पहले आप इधर लिख लें जी, अच्छा जी इसमें आप क्या करें इन सबको सेपरेट कर लें 10A4। ठीक है जी अब देखिए 1 जो होता है आपका किसमें हेक्साडेसिमल में वो किसके इक्वल होता है 1 इज इक्वल होता है 0001। ठीक है ना क्योंकि 0001 किस तरीके से है 3 तो मैंने 0 अपनी तरफ से लगाई है 4 बिट्स कंप्लीट करने के लिए, असल में होता है 1 के इक्वल ही होता है ये 0000 मैंने अपनी साइड से लगा दिया। अब 0 क्या होता है 0 के इक्वल होता है लेकिन 4 बिट्स कंप्लीट करनी होती है, देखो वो 0 हेक्साडेसिमल में देखो 00 के इक्वल ही होता है लेकिन हमने हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं तो इधर हम 4 फिगर कंप्लीट लेंगे यानी कि इधर 40 मैं इस तरह लगा देंगे। ठीक है तो इधर कर देंगे 40 कर देंगे। ठीक है जी अब देखना हम ए की चीज के इक्वल है ए इज इक्वल टू है 10 10 तो मैं इधर लिख दूंगा 10 10। अब 4 देखना 4 की चीज के इक्वल होता है 4 इज इक्वल टू होता है 100 यानी कि 4 बिट्स कंप्लीट करने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा यानी कि एक 0 इजाफी लगानी पड़ेगी तो 0 100। ठीक है जी अब इनको कंबाइंड करके आप लिख लें, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है आपको 10000101001000। ठीक है डियर स्टूडेंट ये आपको क्या हो गया बाइनरी में। हमने क्या किया हम 16 के निजाम से किस में गए 2 के निजाम में यानी कि हेक्साडेसिमल से हम गए जी बाइनरी के निजाम में, हमने क्या किया कन्वर्जन किया है या कन्वर्ट किया आपने किसको अदात को। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आज के इसके लेक्चर की आपको समझ आई होगी, जाते जाते मैं जरूर कहूँगा अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इस तरह के मजीद लेक्चर आपको बसानी तरीके से मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।